जगजीत सिंह की एक गजल है जिसकी एक पंक्ति है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वाकई लंबी दूरी तय करने में वक्त ज़रूर लगता है। इतनी सारी बैठकों का दौर चला, पार्टियों के बीच अंतरकलह हुए, रैलियों में तू तू मैं मैं हुई, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, उसके बाद मतदान हुआ और उसके बाद आज की तारीख यानी कि 3 दिसंबर 2023 को नतीजे का दिन है। नतीजे का सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और रुझान आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजे आज आने वाले हैं। अशोक गहलोत राजस्थान में, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार के नतीजे आज आएंगे और ये तय होगा कि किसकी वहाँ सरकार बनती है। सभी ने अपने अपने तरीके से इस चुनाव को लड़ा और सबने अपनी अपनी चीज़ें बताई। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जो मुद्दे रहे वो फ्रीबीज के रहे, यानी कि राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर काफ़ी दाव लगाया गया अशोक गहलोत की तरफ से। वहीं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में फ्री की योजनाएं जिसमें लाभान्वित लोगों को या लाभार्थी वर्ग बनाने की एक कोशिश हुई, महिलाओं को टारगेट किया गया। अब देखना ये होगा कि जब कुछ ही घंटों के बाद नतीजे साफ होंगे तो सरकार किसकी बनती है। सबको बेसब्री से इंतज़ार है इस दिन का और ये बहुत सारे लोग मान रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि 2024 की राह जो है वो इन चुनावों से होकर ही गुजरती है। अब देखना ये होगा कि इन चुनावों में जीत किसकी होती है, तो थोड़ा इंतज़ार करने की अभी ज़रूरत है। अभी हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। वो यहाँ पर मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान सच में खुलेगी। किसकी सरकार बनने जा रही है चारों राज्यों में? कांग्रेस की। ऐसा क्यों लगता है कि आपको कांग्रेस चारों राज्यों में आ जाएगी? इसलिए लगता है कि ये 2014 से लेकर आज तक भाजपा ने क्या किया है, हिंदू मुसलमान कोई रोजगार नहीं, कोई भी, सब पब्लिक, युवा हो, मजदूर हो, हर आदमी परेशान है भाजपा सरकार से। जैसे राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, क्या इस बार रिवाज बदलेगा? नहीं, अब की बार नहीं बदलेगा, ये 27 साल का अब की बार पहला रिकॉर्ड होगा जो अब की बार रिपीट करेगी कांग्रेस पर। आपका क्या मानना है कितने राज्यों में सरकार आएगी कांग्रेस? हमारी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी, एक राज्य तो मिजोरम में, उसमें तो कोई वही है नहीं। तो अभी यहाँ का क्या माहौल है आप कार्यकर्ताओं का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। और जीत के बाद क्या जश्न मनाने वाले हैं आप लोग? वो तो अभी पार्टी का जो आदेश होगा हम वो जश्न मनाएंगे। 4 राज्यों के आज नतीजे आ रहे हैं तो आपको क्या उम्मीद है? आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, क्या कांग्रेस की वापसी होगी इन 4 राज्यों में? इन 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीतेगी और नफरत के बाजार में मोदी की दुकान खुलने जा रही है चारों स्टेटों में। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा 4 स्टेटों में। और जब आप लोग जब जमीन पे काम कर रहे थे तो जमीन के हालात क्या थे, वहाँ पर किस तरीके के आप बदलाव देख रहे थे, क्या उस वहाँ पर कैसा माहौल था? जमीनी स्तर पर राहुल गांधी जो पद यात्रा निकाली थी उसमें सब वर्गों के लोगों ने राहुल गांधी जी का बहुत साथ दिया है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह मजबूत हुई है। लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 2 राज्यों में जो है वो कांग्रेस आएगी और 2 राज्यों में जो है वो भाजपा आएगी, तो उसको कैसे मानते हैं आप? यह गोदी मिट्टी है या बिकाऊ है और 12-1 बजे तक रिजल्ट सबके सामने होंगे और चारों स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब करे वही बनेगा, चारों स्टेटों में कांग्रेस पूर्व बहुमत से आएगी। और यहाँ तो मिठाइयाँ वगैरह सब तैयार हो गई है? मिठाई तो पता है, अभी चारों स्टेटों में कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं कांग्रेस के लिए? हाँ, कांग्रेस। अच्छा, कितने साल से कार्यकर्ता है कांग्रेस के? हम बचपन से हैं। अच्छा, तो कांग्रेस की वापसी होगी आपका मानना है? होगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024। तो 2024 के इलेक्शन में भी आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा इन चुनावों का? एक तरफा होगा 2024 में कांग्रेस। कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे कि किसकी चारों राज्यों में सरकार बनती है। तो अभी जब कांग्रेस मुख्यालय का जो माहौल है, यहाँ कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर लड्डू बने हुए हैं, यहाँ पर हवन चल रहे हैं और यहाँ पर सभी का मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चारों राज्यों में सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल्स कुछ और कहते थे, लेकिन अब नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद देखना होगा कि नतीजे क्या रहते हैं, क्या
भाजपा को हराकर कांग्रेस नई सरकार बना पाएगी और जहां पर कांग्रेस पहले से है क्या वो वहां पर अपनी सत्ता रिटेन कर पाएगी। इन सारे पहलुओं पर हम पूरे दिन नज़र बनाए रखेंगे कांग्रेस मुख्यालय से। आप भी द प्रिंट के साथ जुड़े रहिए।